हेलो गाइस, हमने यहाँ पे अभी स्टे किया हुआ है सिरमौर में, एक छोटे से घर में। ये काफी सुंदर घर है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दो क्यूट बच्चे हैं जो इसी घर के मेंबर हैं। बोलो हाय। विनायक। आपका नाम? रुद्राज। और ये हमारे विद्य साहब हैं। हेलो गाइस, बहुत ही मुश्किलों और पड़ावों के बाद हम आखिरकार यहाँ पहुँचे हैं। अपने घर नहीं पहुँचे, किसी घर में रह रहे हैं, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लैंडस्लाइड हो रहा है। एंड ये जो दो छोटे बच्चे हैं, ये हमें रास्ते में मिलते हैं, कहते भैया हमारे साथ रहो। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। बताओ क्या हुआ रास्ते में? गाड़ी बेबी चाचू हमारे चाचू गाड़ी उधर स्प्लिट हो गई और वो चली गई। घर भी टूटते जा रही इतनी बारिश में, कौन जाए। लेकिन इनका घर बड़ा अच्छा है। इशलान में भी दो चीन। ये दिखाते हैं आपको अंदर का घर, जहाँ पे कितना सुंदर है, अच्छा घर है। ये देखिए आप, देखिए। और ये देखिए, ये हमारा एक आलसी बंदा भी सो चुका है पूरी तरह, और एक दूसरा वो भी सो चुका है, हम ही जाग रहे हैं। और ये इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से हमारी केयर कर रहे हैं। इन्होंने हमें हीटर दे रखा है। हमें घर का नाम? हाँ सर, गोरुआ। और इधर बताया इनको घर का, इनके घर का नाम है गोरुआ। और हम यहाँ पे रुके हुए, ये देख सकते हो आप। गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। तो ये हमारे सारे कपड़े हैं, हमने सूखने डाल दिए हैं, बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है। ये देखो कितना सुंदर है ये इनका घर। हेलो गाइस, देखो तो अभी सुबह हो गई है, तो सुबह का मौसम दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी खिड़की से सामने का नज़ारा, ये देखिए सामने नदी बह रही है। और जिस घर में हम ठहरे हुए हैं, ये घर है, अंकल जी काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने हमें कभी यहाँ पे ठहराया हुआ था। ये देखिए कैसे बादल मन रहे हैं। हाँ जी वेदी जी, बताइए कैसा स्टेटस है अभी यहाँ का? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर बता दें हाल कि हम इस समय चूटा नहीं फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे हम होम स्टे कर रहे हैं किसी एक घर में। तो मौसम यहाँ का बहुत ख़राब है, तो आगे से आप जब भी यहाँ आएँ तो प्लीज़ वेदर एक बार चेक करें और इस चीज़ को इग्नोर ना करें और अवॉइड करें यहाँ आना। हम यहाँ पे भी फंसे हुए हैं, पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है। मौसम तो अच्छा है, मौसम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे कितना पानी आया हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, क्योंकि जहाँ हम होम स्टे कर रहे हैं सामने काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। तो मुनीश जी जाइए, ज़रा कैमरा कीजिए इधर। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पानी की सप्लाई बंद हो चुकी, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर पीने के लिए कैसे बर्तन रखे हुए हैं कि इस पानी को पी भी सकते हैं, काफ़ी फ्रेश होता है, सीधे बारिश का पानी है। ये देखिए कितने अच्छे दिल लग रहा है ये पानी बर्तनों में रखा हुआ। और ये हमारे बाहर का नज़ारा है सारा, इतनी सारा नज़ारा है। ये देखो के बारे में आप घूम आए, आपको हमारे से ज्यादा मालूम है जो आपने यहाँ पे? नहीं, हमें तो मजा आया, लेकिन आप इसके शहर के बारे में बताओ, इसकी मान्यता बताओ, इस मंदिर के बारे में बताओ। मान्यता, ये तो 16वीं शताब्दी का बना हुआ है, श्री महाराज जी का मंदिर है, जो ये हमारा विजट महाराज जी का मंदिर है, और ऊपर जुगेश्वर महादेव का मंदिर है, श्रीगुल महाराज जी का। तो ये तो 16वीं शताब्दी के बने हुए हैं, पर इसकी काफी लंबी हिस्ट्री है, इस पे तो काफी लंबा चला जाएगा। पर मैं इतना बता दूं कि ये जो हमारे यहाँ की ये दैविक शक्ति है यहाँ की, बाकी जो हिस्ट्री तो बहुत है इसकी कि यहाँ कैसे इसकी यहाँ पे स्थापना हुई, कैसे बहुत कुछ है यहाँ पे। वैसे इसका जो मूल स्थान है चूड़धार का, वो है यहाँ पे। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है नीचे, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। पहले श्रीगुरु महाराज जी यहाँ पर आए थे और यहाँ से फिर चूड़धार गए थे। और विशेषकर जो वहाँ चूड़धार में कुलिष्ठ जो ब्राह्मण है, हम लोग ही है वहाँ के पुजारी, और जितने भी वहाँ पे पुजारी है और जो वहाँ की देख रहे हैं, वो हम लोग ही करते हैं इस गांव के, हमारे कोई वहाँ का दायित्व, बाकी वहाँ कोई पूजा नहीं कर सकता। ये है जी वहाँ की विशेषता, और ये ब्राह्मणों का गांव है पूरा, ऐसा है। तो हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत हेल्पफुल हैं, आपने बहुत हेल्प की हमारी उस समय पे, हेल्प की जब हमें जरूरत थी। थैंक यू। तो आप भी कभी हमारे यहाँ आना, वेलकम। नेक्स्ट टाइम आइए, दूसरों को भी बताइए कि भाई हमारा तहसील चौपाल डिस्ट्रिक्ट शिमला ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे घूमने के।
यहाँ पे व्यवस्था है। अगर यहाँ पे बाय द वे लोग फंस भी जाते हैं तो भी लोग हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई बाहर फंस जाएंगे वो हो जाएगा तो यहाँ कोई भी लोग अपने घरों में भी ठहरा रहते हैं निःशुल्क सेवा भाव से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छे इंसान आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये देखिए सारे कितने क्यूट बच्चे हैं। बाय बाय बोल दो। ये देखिए नीचे वाला एरिया जहाँ पे हम रहे थे, कितने सुंदर घर बनाए हुए हैं। नमस्ते। हाँ जी हाँ जी, आएंगे अगले साल फिर हम जी। धन्यवाद जी। हाँ जी हाँ जी, अभी हम चंडीगढ़ की तरफ वापस जा रहे हैं। अभी अंकल जी ने एक गाड़ी बुलाई है 4x4, तो उसमें बैठेंगे हम। हेलो गाइस, हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं और हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं अभी। तो गाइस जब तक हमारी गाड़ी नहीं आ जाती, हम आपको आसपास की नेचर दिखा देते हैं। ये देखिए आसपास की नेचर, ब्यूटीफुल व्यूज। आसपास धुंध पड़ी हुई है और हम सभी लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं आने का, कब गाड़ी आए और हम अपना आगे का सफ़र शुरू करें। अभी हम बुलेरो में बैठे हुए हैं, देखो हमारे बेबी और निखिल दीपक दीपक सर गाड़ी आ रही है। अभी हम चंडीगढ़ पर जा रहे हैं। हाँ जी, ये बाहर का मौसम है, देखिए कैसे कैमरा तो भाई हमारा घर वापसी का सफर शुरू हो गया है। तो वापस आते टाइम गाड़ी काफ़ी तेज भगा रहे थे ड्राइवर जी, क्योंकि मैक्सिमम 15 से 20 जगह पे रोड ब्लॉकेज थी सिरमौर से लेके शिमला तक। तो ये गाड़ी 4x4 थी तो हमें इस चीज़ की एडवांटेज मिली, वो जहाँ पे छोटी मोटी लैंडस्लाइड थी या ब्लॉकेज थी तो वहाँ से आसानी से क्रॉस किए जा रहे थे हम। और आसपास के हमने कुछ व्यूज़ भी कैप्चर करे हैं रोड साइड के और पहाड़ों के, तो आप देख सकते हो इनको। और मैक्सिमम रिवर उस टाइम पे ओवरफ्लो हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरे हिमाचल पे रेड अलर्ट था और हम ट्रैवल करने चले गए थे। तो ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक रही कि हमने वेदर को थोड़ा अनप्रडिक्ट किया और रास्ते में हर जगह ब्लॉकेज हो रखी थी। तो मैक्सिमम हमारे आगे जेसीबी चली रहती थी, तो ये देखिए और वो रास्ता क्लियर किए जा रहे थे और हम उन्हीं के पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे थे ताकि ईजिली हम हर ब्लॉकेज को क्रॉस कर सकें। अब ये वापस रास्ते टाइम का शॉट है जहाँ पे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमारे आगे आगे एक गाड़ी चली हुई है और जेसीबी चली हुई है। हमारे ड्राइवर जी तो काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने हमें ईजिली पहुंचाया। और ये अंदर का व्यू जंगल के अंदर का, तो ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस रहा, हमने जर्नी इंजॉय करी और अलग लेवल का एडवेंचर किया। तो कभी कभी ऐसी जगहों पे जाना चाहिए पर मौसम का ध्यान रखें, यहाँ पे बर्फबारी भी काफ़ी होती है बर्फ के सीज़न में। तो ये तो हमारे लिए ग्रेट एक्सपीरियंस रहा,
तो आप भी इस जगह पे जाएं, एंजॉय करें और वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। अभी आगे काफ़ी कुछ है नई चीज़ें। अब ये शिमला से कालका की ओर जाने वाला हाईवे है, तो ये देखिए पूरा का पूरा ही डैमेज हो चुका था उस टाइम पे। हम गाड़ी से उतर गए थे, बीच में लोगों की हेल्प भी करी उनकी गाड़ी निकालने में, और काफ़ी जगह हम पैदल चले क्योंकि हमारी बस ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि इस रोड को क्रॉस कर सके, क्योंकि रोड पूरी डैमेज हो चुकी थी, तो पैदल ही जाना हमने सही समझा। और देखिए रोड पूरी की पूरी फट चुकी थी और हर जगह न्यूज़ पे भी हर जगह यही न्यूज़ चली हुई थी कि यहाँ ब्लॉकेज है, वहाँ ब्लॉकेज है। फिर भी हम महादेव की कृपा से आराम से पहुँच के घर में। और ये देखिए आसपास कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है, हर जगह ब्लॉकेज है और हम पैदल जा रहे हैं। हम अपना लगभग अपना सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं और एक अलग सा सुकून है, एक अलग सी अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि हम कितने सारे ब्लॉक कंप्लीट करके फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए और हमने एंजॉय किया, हमने कर दिखाया। और ये काफ़ी सेटिस्फाइंग था कि इतने सारे ब्लॉकेज और फ्लड्स टू टू हे रोड क्रॉस करके हम फाइनली ईजिली हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो ओवरऑल इट्स सेटिस्फाइंग एंड वी आर हैप्पी। हेलो गाइस, तो अब हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। अभी हम पैदल ही चले हुए हैं क्योंकि अभी हमें हमारी बस ने हमें रास्ते में छोड़ दिया है क्योंकि रोड काफ़ी टूटी हुई है, तो हमारा ट्रिप लगभग खत्म ही होने वाला है। जहाँ से चंडीगढ़ 30-35 किलोमीटर दूर है, तो अभी कंटिन्यू करें, हमें रास्ते में कोई कैब मिलती है तो हम उसको हायर करेंगे।